हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक हो गया भाई एक दफ़ा फिर से अहमद क्रिप्टो कम्युनिटी में। अच्छा, तो आज की वीडियो है, ये एक जो एक्सम्पायर के ऊपर आपने वर्किंग की थी, माइनिंग की थी, इसके अंदर जो अब आपने जिन लोगों के पास NFT थी, ठीक है, आप उस NFT को कन्वर्ट करने में, NFT को टोकन में कन्वर्ट करने की ऑप्शन जो है ना, फीचर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने NFT को अपने एक्स टोकन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि भाई एक NFT के बदले में आपको 69,000 टोकन मिलेंगे, 69,000 टोकन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने अपने क्या करना है, एक्सम्पायर के इस पेज पे आ जाना, एयर ड्रॉप वाले थोड़ा सा ऊपर करोगे तो कन्वर्ट NFT टू एक्स वाला ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और ये एड्रेस जो है ना आपको सामने नजर आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी आपने ये NFT सेंड करनी है, NFT आपने उसी ही वॉलेट से सेंड करनी है जो वॉलेट आपने एक्सम्पायर के साथ कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है, उसी ही वॉलेट से आपने सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना आपने NFT लेके रखी हो, वो आपने किसी दूसरे वॉलेट में लेके रखी हो, ठीक है, तो आपने उसी ही वॉलेट से जो है ना वो सेंड करना है NFT को, जो वॉलेट आपने एक्सम्पायर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो चलो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ये जो एड्रेस आपको दिया है इस एड्रेस पे हमने NFT सेंड करनी है। ये एड्रेस को एक दफा क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के बाद अब हम जाते हैं अपने वॉलेट में, तो मैंने टेलीग्राम वॉलेट कनेक्ट किया हुआ था इसके साथ, तो चलो मैं अपने टेलीग्राम वॉलेट में चला जाता हूँ। टेलीग्राम वॉलेट में जाने के बाद टोन स्पेस बैटा में जो है ना वो मेरी NFTs पड़ी हैं। टोन स्पेस बैटा में जाते हैं। अब ये देखो, ये मेरे पास जो है ना तीन मेरी NFTs हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनको मैं सेंड करूंगा, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, सेंड कलेक्टिबल पे क्लिक करेंगे। अब हमें लिखा हुआ जी योर टेलीग्राम कॉन्टेक्ट और एक्सटर्नल वॉलेट, बल्कि टेलीग्राम टू टेलीग्राम वाले बंदे को सेंड करनी है या एक्सटर्नल वॉलेट, हमने किसी वॉलेट एड्रेस पे सेंड करनी है, जाहिर सी बात है, तो हम नीचे एक्सटर्नल वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये एड्रेस लगा देंगे जो हमने वहां से कॉपी किया है। एड्रेस लगाने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे देखो जी, $0.1 फीस लगेगी NFT को सेंड करने की, तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा टोन कॉइन भी होना चाहिए NFT सेंड करने के लिए। तो मेरे पास ऐसा कि टोन ऑलरेडी है इस वॉलेट में, तो मैं इसको कंफर्म एंड सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आगे ये क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन मांगेंगे, तो वेरिफिकेशन हो गई, पासवर्ड वगैरह लगाने के बाद ये डन हो गया, ठीक है। ये देखो जी, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सेंड टू द नेटवर्क एंड विल बी प्रोसेस्ड इन अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब ये चीज जो है ना हमारी जो NFT है वो सेंड हो चुकी है। इस तरह जितनी भी आपके पास जो है ना, तीन पाँच एक दो जितनी भी NFT होंगी, आपने सारी जो है ना इस एड्रेस पे आपने सेंड कर लेनी है, ठीक है। इस एड्रेस पे सेंड करने के बाद ये देखो, अभी ये NFT अभी सेंड हो रही है, ठीक है। इस तरह आपने सेंड कर लेनी है। सेंड करने के बाद इसी ही वॉलेट में आपको जो है ना वो एक्स के टोकन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक NFT के बदले में आपको टोकन मिलेगा तकरीबन 69,000 टोकन मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से टोकन्स को आप अपने जो है ना वो क्या कहते हैं उधर एक्सचेंज पे सेंड करोगे। कैसे सेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे टोन को ना, फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये क्या कहते हैं यार वो एक्सम्पायर के टोकन है, ठीक है, ये रीलोड पे चला गया। अच्छा, ये सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने ये क्या करना है, ये पेज ओपन नहीं हो रहा, इसको रीलोड कर लेते हैं एक दफा, रीलोड करते हैं एक दफा। रीलोड करने के बाद देखो ये पेज ओपन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो मैंने एक दफा इसको रिस्टार्ट कर लिया वॉलेट को, तो अब जो है ना वो स्मूथली चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे सेंड की ऑप्शन है, सेंड वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास टोन को है ना, इस तरह आपने जो है ना एक्स टोकन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, एक्स टोकन को सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास टोन को है ना, टोन को सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है टेलीग्राम वॉलेट, टेलीग्राम वॉलेट पे तो हमने सेंड नहीं करना, जारी सी बात एक्सचेंज पे सेंड करना है। तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लगाएंगे। एड्रेस लगाने के बाद फिर आगे जो है ना वो अमाउंट मांगेंगे कि आपने कितनी अमाउंट, मतलब कि कितना टोन कॉइन सेंड करना है। वो लिखने के बाद फिर आगे मैं एक सेकेंड आपको करके दिखाता हूँ, एक्सचेंज से जो है ना मैं जाके जरा वो एड्रेस कॉपी कर लूँ। अच्छा, तो देखो जी, यहाँ पे एड्रेस लगा दिया मैंने। एड्रेस लगाने के बाद नीचे लोडिंग होगी, देखो उसने एड्रेस वेरीफाई कर लिया। अब मेरे पास एक से ज्यादा टोन पड़ा हुआ था, मैं आधा टोन ट्रांसफर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे कमेंट टैग मीमो लगना है, बल्कि जो कहते हैं ना मीमो जिसको कहते हैं हम, उसके तीन नाम है, मीमो को टैग भी कहते हैं, उसका नाम कमेंट भी है। कमेंट टैग मीमो तीनों एक ही चीजें होती हैं। तो कुछ एक्सचेंजेस पे उन्होंने कमेंट लिखा होता है, कुछ एक्सचेंजेस पे टैग, कुछ एक्सचेंजेस पे मीमो, तो एक ही चीज है। तो कमेंट टैग मीमो भी आपने लगाना है, मतलब कि एड्रेस, ये एड्रेस तो हमने पहले लगा दिया था पीछे, जो पीछे एड्रेस लगाया था। अब यहाँ पे हमने एक्सचेंज से मीमो भी कॉपी करके लगा देना, मीमो कॉपी करके लगाना, फिर आपने यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड कर देना।
कन्फर्म एंड सेंड करोगे फिर जो है ना वो सेंड होगा। तो अभी जैसा कि मैं सेंड नहीं कर रहा, वैसे मैंने आपको बताने के लिए जो है ना वो किया है। तो कमेंट टैग मीमो ये लाजमी लगेगा और एड्रेस लाजमी लगेगा एक्स एम्पायर टोकन सेंड करने के लिए एक्सचेंज पे। तो इस तरह फिर आप अपने वॉलेट से एक्सचेंज पे टोकन सेंड करके सेल कर सकोगे। ठीक है, तो आई होप जो है ना वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।